man and food. Please do not accept eatables from strangers. गाड़ियों और डिब्बों की सफाई के लिए कर्मचारी मौजूद हैं. कृपया उनकी सहायता लें. Staff is available for cleaning compartments and trains at the platform. Please do make sure of your services. गाड़ियों और डिब्बों की सफाई के लिए कर्मचारी मौजूद हैं. कृपया उनकी सहायता लें. प्लेटफॉर्म नंबर एक से निकले हैं. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड में ये दो और तीन है, उसके आगे जो है वो चार और पाँच है. तो यहाँ पर पांच प्लेटफॉर्म यहाँ पर पूरे मुरादाबाद में है. अब मैं आपको ले चलता हूँ सिक्स और सेवन प्लेटफॉर्म की तरफ. उसके लिए हमें उतरना पड़ेगा नीचे इस फुटओवर ब्रिज से. जब प्लेटफॉर्म नंबर एक से चलते हैं सीधे रामपुर की तरफ, जो लखनऊ की तरफ रूट जा रहा है वो उस तरफ ही पड़ता है पूरा प्लेटफॉर्म नंबर सिक्स और सेवन दोनों, जबकि दो तीन चार और पाँच जो है प्लेटफॉर्म नंबर एक के सामने ही है साउथ की तरफ. अब हम यहाँ पर जा रहे हैं ईस्ट की तरफ रामपुर की तरफ. तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर सिक्स और सेवन आपको हम दिखाएँगे. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है इस पर लिखा हुआ है साफ साफ प्लेटफॉर्म नंबर वन नॉर्थ रेलवे और मुरादाबाद. तो ये प्लेटफॉर्म नंबर वन है और हम सीधे जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर सिक्स और सेवन की तरफ. तो चलिए दोस्त वहाँ पर चलते हैं. दोस्तों ये जो बोर्ड लगाया सामने यहाँ पर लास्ट है प्लेटफॉर्म नंबर वन का, और जो इसके सामने जस्ट थोड़ी सी आगे एक और बोर्ड है वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर सिक्स स्टार्ट होता है. ये यहाँ पर तो क्रॉस है, यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर सिक्स स्टार्ट हो चुका है यहाँ का बोर्ड है. मेरे पीछे बोर्ड लगा है, और जो इस साइड में है ये सामने उधर ये प्लेटफॉर्म नंबर सिक्स है इस साइड में. तो यहाँ पर सिक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी है आगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ. और फिर वहाँ से हम उसी में बैठ के हम को जाना है. देखिए ट्रेन दिख रही होगी. दोस्तों इस समय मैं हूँ ट्रेन के अंदर. तो मैंने आपको पूरा स्टेशन दिखाया है मुरादाबाद का. तो
आपको ये स्टेशन कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। हालांकि जो लोग इंडियन रेलवे के बारे में जानते हैं और मुरादाबाद के बारे में ना जानते हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था मुरादाबाद का ब्लॉग बनाने की, तो आज मैंने फ़िलहाल बना ही दिया है। बाकी इसमें भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता था, वो मैं बाद में कर दूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट वीडियो।